बिग बॉस को मिल गया है इस हफ्ते के लिए नया कप्तान, तो इस वीडियो में बताएंगे कि कौन बने हैं बिग बॉस 14 का नया कप्तान। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बता दूँ कि राहुल महार्जन बन गए हैं बिग बॉस 14 का नया कप्तान। जी हाँ, बिग बॉस ने एक टास्क दिया था जिसमें राहुल महार्जन ने जीत हासिल की है और उसी के साथ बन गए हैं राहुल महार्जन बिग बॉस 14 का नया कप्तान। आप लोगों को बता दूँ कि कप्तानी के लिए जो टास्क था वो न्यू ईयर में ही दिया गया था और न्यू ईयर की पार्टी रखी गई थी जिसको तीन भाग में डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि तीनों जो कंटेंडर थे कप्तान के अर्शी खान, वहीं राखी सावंत और राहुल महार्जन, इन तीनों के बीच फाइट था और बिग बॉस के गार्डन एरिया को तीन भाग में जो है बांट दिया गया था और उसमें जिनके भी पार्टी में ज़्यादा लोग शामिल होते वो कप्तान बनने वाले थे और इसी के हिसाब से राहुल महार्जन बन चुके हैं बिग बॉस 14 का नया कप्तान, क्योंकि घर के ज़्यादातर लोगों ने उनके ही पार्टी में उनके साथ डांस करते हुए नज़र आए अंत तक और उसी के कारण से वो इस हफ्ते के लिए नया कप्तान बन चुके हैं। तो अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि राहुल महार्जन किस तरीके से घर को चलाते हैं। और एक बात बिल्कुल नहीं भूलिए कि राहुल महार्जन इस हफ्ते नॉमिनेटेड भी है, तो देखते हैं क्या राहुल महार्जन इविक्ट हो जाते हैं या फिर वो बच जाते हैं तो किस तरीके से जो है घर को चलाते हैं। तो राहुल महार्जन की कप्तानी पर आपका क्या है कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।